Hi everyone, my name is Sandeep and today we are going to solve a problem, and that problem is parts 3437 medium type of problem. ठीक है, तो यार इस problem में हमें basically एक binary tree दे रखा है और एक target sum दे रखा है, और हमें basically बताना है कि ऐसे कितने parts हैं जो मतलब जिनको हम sum add करें सब nodes का तो वो हमारे target sum के equal होता है। ठीक है, और ऐसा ये नहीं है कि जो हम पाथ ढूंढेंगे वो रूट नोड से स्टार्ट होगा और देन किसी लीफ नोड तक जाएगा, या फिर रूट नोड से स्टार्ट होना है या उसको लीफ नोड तक जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री रख रखा है और उसके अंदर कोई भी, जैसे आप उसमें देख पा रहे हो, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और हमें टारगेट वैल्यू दी होगी और हमें काउंट करना कि हमारे पास कितनी ऐसे पार्ट्स हैं जिसके अंदर हमें ये वैल्यू मिलती है। ओके, सो राइट नाउ यू कैन सी दिस इज द बाइनरी ट्री एंड द टारगेट सम इज हियर। सो दिस इज द फर्स्ट 5 and 3 यू कैन ऐड टू मेक इट 8। दिस इज अनदर 5, 2 and 1 व्हिच इज 8 आल्सो, and minus 3 and 11 is also 8. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना ना, इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा पार्ट सम 1 पार्ट सम 2 प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेना। बेसिकली वो इसका एक पेरेंट प्रॉब्लम है और आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहता है, मैं नॉर्मल से आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या रहता है। बेसिकली उसके अंदर आपको एक बाइनरी ट्री दे रखा होता है, लेट सपोज लाइक दिस। ओके, एंड देन आप कोई लाइक वैल्यू ये रखी है, जैसे कि लेट सपोज 4 एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपको बेसिकली फाइंड करना होता है रूट से कि ऐसे इस रूट से कितने ऐसे पाथ हैं जो हमें 4 वैल्यू देते हैं। तो आपको जैसे दिख ही रहा है कि इसको इसको ऐड करेंगे तो ही हमारे पास 4 बनता है, इसको इसको 3 करेंगे इसको ऐड करेंगे ज़्यादा बन जाएगा, और इसको 3 को ऐड करेंगे तब भी ज़्यादा बन जाएगा। तो बेसिकली उसमें अंदर हम ना रूट से फाइंड करते हैं, और हम करते कुछ नहीं, हम बेसिकली रूट से शुरू होते हैं और हम इस चीज़ को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लाइक एक हम वेरिएबल ले लेते हैं जो कि वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, लाइक यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम भेजेंगे तो यहाँ पे रूट 2 है तो 1 + 2 होगा 3। ठीक है, और यहाँ पे भेजेंगे तो होगा 7। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो टारगेट सम की यू के लिए। अगेन यहाँ पे जाएंगे 1 और 3 कितना होगा 4, जो टारगेट सम की यू के लिए हम आंसर के अंदर काउंटर जो है 1 कर देंगे। नाउ हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 और 5 कितना होगा 9, विच इज़ ग्रेटर देन टारगेट। सो इस केस में हमारा आंसर जो होगा वो 1 होगा। नाउ हम ये सेम प्रॉब्लम जो है इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रूट नोड से शुरू किया, हम क्या करेंगे एक हेल्पर मेथड बनाएंगे जो कि ये वाला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो ये करेगा। एंड देन फॉर ईच रूट फॉर ईच नोड हम इस हेल्पर को पास करेंगे और इस टारगेट वैल्यू को पास कर देंगे। तो बेसिकली वो हर नोड पर जाके दैट हेल्पर मेथड विल डू द सेम थिंग फॉर एवरी नोड, इट विल डू द सेम थिंग। ठीक है, और इससे हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये होगा दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन टू सॉल्व। हाउ वी कैन सॉल्व इट, लेट्स सी दिस, अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यार अगर आप सिंपल देखोगे यहाँ पे एक चीज़ कि आपने बेसिकली तो यार अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने बेसिकली यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 और 5 15 हो गए, और 15 और 3 कितने हो गए हमारे पास 18 हो गए। ठीक है, अब यार यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि यार मैंने यहाँ से शुरू किया और मेरे को पता चल रहा है कि यार वैल्यू मेरी बढ़ रही है। ठीक है, बेसिकली मैंने इस नोड से शुरू किया और जैसे मैं आगे गया तो मेरी वैल्यू बढ़ रही थी, एंड देन एक्चुअली मेरे को करना क्या था, मेरे को आंसर मतलब आई नीड टू फाइंड एन आंसर, एंड उस आंसर को फाइंड करने के लिए ये जो मैंने इतना बड़ा सम कैलकुलेट किया है, ये जो 18 सम है ये बेसिकली 10, 5 और 3 का है, राइट। अगर मैं इसमें से 10 को रिमूव कर दूँ, इसमें से 10 वैल्यू को रिमूव कर दूँ, तो बेसिकली मेरे को फिर से रीइटरेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 10 को रिमूव करके मैं 18 में से 10 माइनस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 8, और 8 क्या मेरे टारगेट सम वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को इससे फाइंड आउट हो जाएगा कि हाँ यार ऑलरेडी मेरे पास ये वाला पाथ है जिसके अंदर मेरे टारगेट वैल्यू जो मैं फाइंड कर सकता हूँ। जस्ट थिंक इन सच अ वे, मतलब आई थिंक आप डायरेक्ट इस अप्रोच को इतना नहीं समझ पाओ, तो मैं आपको ना इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में भी बताता हूँ कैसे आप इस अप्रोच तक पहुँच सकते हो। तो लेट सपोज मैं एक एरे लेता हूँ, या फिर डी क्यू समझ लो, एरे मान लो। ठीक है, तो मैंने 10 डाला, अब आपको पता है यार जो 10 है वो मेरी जो टारगेट वैल्यू है उससे ज़्यादा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या मेरे को 10 इस एरे में रखना चाहिए, जब मैं आगे जाऊंगा क्या मेरे को 10 रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो मैं आगे जाके क्या करूंगा, एक एम्प्टी एरे यहाँ से पास करता हूँ, क्योंकि 10 इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू कंसीडर, तो मैं बेसिकली 10 को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो मैंने एम्प्टी एरे पास कर दिया और मैंने 5 ऐड कर दिया इस एरे में, अब 5 जो है मेरे 8 से कम है, राइट। सो इट मीन्स वी कैन ऐड मोर वैल्यू। मैं नीचे गया, मेरे पास 3 था, 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया, तो भाई मेरा आंसर के अंदर मैं क्या कर दूंगा, मेरे को एक वैल्यू मिली। अब मैं आगे नीचे जाता हूँ तो मैं 3 के अंदर 8 के अंदर 3 ऐड करूँगा तो वो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसमें से रिमूव करूँगा, मैंने 5 को रिमूव किया। ठीक है, बचा 3 के अंदर 3 ऐड कर सकता हूँ, यस, तो 3 के अंदर 3 ऐड कर दिया, अब मेरा वैल्यू क्या बन गया 6।
अब मेरा सिक्स वैल्यू बन गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। अब यहाँ पे फाइव और थ्री कितने थे, फाइव और थ्री एट, अब मैं माइनस टू ऐड कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये टारगेट से कम ही जाएगी, तो मैं इसमें डाल दूंगा फाइव थ्री माइनस टू, ठीक है। तो अभी इस केस में ये एट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस गया पाँच था, पाँच के अंदर मैं और ऐड कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि फाइव इज़ लेस देन एट एंड फाइव प्लस टू इज सेवन एंड सेवन इज ऑल्सो लेस देन एट, सो फाइव सेवन, कैन वी ऐड वन, हाँ, बिकॉज आफ्टर एडिंग वन इट इज इक्वल टू एट, सो मैं लिख दूंगा फाइव सेवन एंड, मेरा एक और सोल्यूशन मिल गया, मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। नाउ आई रिटर्न फ्रॉम दिस, आई रिटर्न फ्रॉम दिस, आई रिटर्न फ्रॉम दिस, नाउ कैन आई ऐड माइनस थ्री, हाँ, माइनस थ्री इज लेस देन एट, सो मैं इसको डाल सकता हूँ, सो आई कैन ऐड माइनस थ्री, मैंने ऐड कर दिया। क्या मैं इलेवन ऐड कर सकता हूँ माइनस थ्री में, हाँ, अगर मैं ऐड करूँगा तो वो इक्वल टू एट हो जाएगा, तो मैं माइनस थ्री के अंदर इलेवन कर सकता हूँ एंड इंक्रीमेंट दिस एंड देन वी विल रिटर्न दिस आंसर। सो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझ पा रहे होंगे कि हम हर एक नोड पे वैल्यू को कैलकुलेट करना नहीं चाह रहे, हम हर एक नोड पे, जैसे कि यहाँ पे हमने शुरू किया, सो हम बेसिकली वी आर डूइंग डीएफएस, ओके, बट वी आर नॉट कैलकुलेटिंग फ्रॉम एवरी नोड, ओके। अगर हमें किसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज, वी बेसिकली ट्राई टू पॉप इट अप, लेकिन ये वाले सोल्यूशन जो है, मतलब राइट, यू कैन इंप्लीमेंट दिस, बट इससे हमें इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि हम यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं विच इज़ प्रीफिक्स सम। तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स सम का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीफिक्स सम क्या होगा, प्रीफिक्स सम का मतलब होता है कि हम पिछली सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड उनको किसी ना किसी जगह पे स्टोर करेंगे। अब प्रीफिक्स सम के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप कोई प्रीफिक्स सम की प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। लेट सपोज आपके पास एक एरे है, ठीक है, एंड देन आपने, दिस इज द आईथ इंडेक्स एंड दिस इज द जेथ इंडेक्स, लेट सपोज आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है आंसर जो है कैलकुलेट करके रखा है, एंड सिमिलरली आपने यहाँ पे एक और मैं लगा देता हूँ के, और लेट सपोज आपके पास आई से लेके के तक का भी कुछ आंसर है, सो लेट सपोज दिस इज आंसर वन, दिस इज आंसर टू, सो वी हैव टू आंसर्स। तो मेरे पास अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर है। अब मेरे को ये वाला आंसर निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, सिंपल है, मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास आंसर टू है पूरा, इसमें से मैं अगर आंसर वन को माइनस कर दूँ, देन आई विल गेट दी दिस वाला पार्ट विच इज फ्रॉम जे टू के। अब तुम बोलोगे यार इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि लेट सपोज हमने अपनी नोड की वैल्यू यहाँ से आई आईथ नोड से हमने कैलकुलेशन करना शुरू की एंड हर एक नोड पे हमने प्रीफिक्स सम को सेव कर दिया कहीं ना कहीं, उसकी ऑकरेंसेज बेसिकली आई पे क्या मतलब प्रीफिक्स सम की वैल्यू थी, देन जे पे क्या थी, देन के पे क्या थी, एंड एट एवरी पॉइंट जो मेरे पास प्रीफिक्स सम की वैल्यू आएगी, याद रखना, एवरी टाइम जो मेरे पास प्रीफिक्स सम की वैल्यू आएगी, अगर मैं उसे अपने टारगेट वैल्यू से माइनस करता हूँ, अगर मुझे टारगेट वैल्यू से माइनस, तो जो मेरे पास वैल्यू है और ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, और ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है बाय प्रीफिक्स सम, सो अगर ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है बाय प्रीफिक्स सम, इट मीन्स आप ये समझ के चलो, मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि आपके पास प्रीफिक्स सम, लेट सपोज आप केथ पोजीशन पे हो और आपके पास टोटल सम बन गया 10, ठीक है, और आपको चाहिए था टारगेट वैल्यू 8, तो 10 में से 8 माइनस करते हो तो कितना था 2, और लेट सपोज 2 आपने जब ये चीज़ कैलकुलेट की थी आई से लेके के तक, जब आप सारी प्रीफिक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, लेट सपोज जे तक जो वैल्यू थी, जे तक जो वैल्यू थी वो 2 बनी थी, राइट, या फिर लेट सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंटर और देता हूँ फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे लेट सपोज एक एम पॉइंटर है और आई से लेके एम और एम से लेके जे, लेट सपोज इधर से लेके इधर तक जब आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास कुछ समय आया और आई से लेके एम तक 2 कैलकुलेशन थी, राइट, तो मैंने क्या कहा कि आप जब केथ पोजीशन पे थे तब आपकी वैल्यू थी 10, ठीक है, आपको टारगेट सम चाहिए था 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 एंड 2 इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो एम पॉइंट पे 2 प्रीफिक्स सम वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सो इट मीन्स अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ सम को देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक पाथ सम को देखें, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दी 2 एंड दैट्स हाउ हम सारे के सारे जो हैं नोड की वैल्यू जो निकाल सकते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा स्टेप करते हैं। इनिशियल हम एक हैश मैप लेंगे और हैश मैप में ना हम क्या करेंगे, जो नोड है मतलब प्रीफिक्स सम है वो कितनी बार ऑकर हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 by 1, वाई रीज़न ये है कि लेट सपोज जब हमारा जो प्रीफिक्स सम की वैल्यू है, अगर हमारी प्रीफिक्स सम की वैल्यू जो है अगर वो इक्वल हो जाती है टारगेट के, सो व्हेन यू माइनस, लेट सपोज प्रीफिक्स सम 8 है टारगेट 8 है तो इट इज़ 0। तो इन हैश मैप हमने ये पहले ही इनकाउंटर कर दिया कि जब भी हमारा प्रीफिक्स सम टारगेट के इक्वल होगा तो हम हैश मैप से उसकी एग्जिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या आया 10, तो 10 मेरे हैश मैप में नहीं है, सो आई विल पुट एंड इफ आई डू
टारगेट माइनस प्रीफिक्स सम, सो माइनस टू इज नॉट देयर। नाउ मैंने 15 की ऐड, 15 इज नॉट देयर, सो आई विल ऐड 15 एंड इट्स ऑफ क्लिनसिस वन। 15 माइनस 8 कर दो, 15 अगर 15 में से आप 8 निकाल दो तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, 7 हमारे पास नहीं। अब हम 15 में 3 ऐड करते हैं तो कितना होगा? 18, 18 भी हमारे पास हैश मैप में नहीं है तो हमने ऐड कर। नाउ वंस वी हैव 18, 18 माइनस 8 इज 10, 18 माइनस 8 इज 10। अब आपने 18 लिया प्रीफिक्स सम, टारगेट सम था 8 और आपके पास 10। नाउ यू कैन सी दैट 10 इज ऑलरेडी देयर, यू कैन सी दैट 10 इज ऑलरेडी देयर। सो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ से इस 10 वाले प्रीफिक्स सम को निकाल दूँ तो ये वाले जो पार्ट है ये मेरा टारगेट सम निकालेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 5 और 3 8 हो गए, राइट। सो आई विल मेक अनदर पॉइंटर, मतलब एक वेरिएबल ले लेता हूँ और जब भी ये मेरे को मिलेगा तो जितनी भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 की, 10 की कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 है, तो मैं इसमें 1 ऐड करूँगा। नाउ लेट्स गो, 18 में से 18 में 3 ऐड किए तो 21 आ गए, और 21 माइनस 8 कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 13, और 13 हमारे पास कहीं नहीं तो मैं 21 पहले डाल देता हूँ। नाउ लेट्स गो हेयर एंड यहाँ पे जाएंगे, 18 में से माइनस 2, 18 में से माइनस 2 कर देते हैं तो हमारे पास रहेगा 16, एंड 16 माइनस 8 इज 8, एंड यू कैन सी दैट 8 इज नॉट प्रेजेंट इन अवर हैश मैप, सो वी विल ऐड 16 इन इट्स ऑफेंसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, व्हेन वी रीच हियर इट इज 7, नाउ 7 इज नॉट देयर, सो वी विल ऐड 7, 8 माइनस 7, सॉरी 7 माइनस 8 विच इज माइनस 1, माइनस 1 हमारे हैश मैप में नहीं है। नाउ 7 में ऐड करते हैं 11, तो 7 में ऐड किए 11 तो कितने हो गए? 18। अब 18 आ गए, 18 में से मैं 8 माइनस करूँ तो क्या आएगा? 10। सो 10 क्या हमारे पास एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट करता है। सो ओके आई एम सॉरी, आई एक्चुअली फॉरगेट दिस वाला पार्ट मैं फॉरगेट, इसको भी करते हैं तो आपने देखा 10 है तो एक्चुअली मेरे को ऐसा नहीं करना था, आई एक्चुअली नीड टू गो बैक, मैं कोई 7 को रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक बार प्रॉपर करते हैं, सॉरी। सो 15 में 2 ऐड किए, 16 17 17 हो गए, एंड यू कैन सी दैट 17 इज नॉट देयर, वी विल ऐड इट। एंड 17 माइनस 8, वट इज 17 माइनस 8? इट इज 9, 9 हमारे पास नहीं है। नाउ अगेन 17 में 1 ऐड करते हैं 18, नाउ 18 माइनस 8 इज 10, ऑब्वियसली 10 हमारे पास है, दिस वन इज 10 जो हमारे पास है, सो वी विल ऐड दिस फ्रीक्वेंसी टू अवर आंसर, सो इट इज 2 नाउ, एंड वी विल ऐड 18 ऑल्सो। नाउ लेट्स कम हियर, 10 माइनस 3 7, नाउ 7 इज नॉट प्रेजेंट, वी विल ऐड इट, एंड नाउ यू कैन सी दैट 8 माइनस 7 इज 7, माइनस 8 इज माइनस 1, माइनस 1 इज नॉट प्रेजेंट देयर, एंड हियर इट इज 18, एंड अगेन 18 माइनस 8 इज 10, एंड 10 यू कैन सी दैट इट इज देयर, सो वी विल इंक्रीमेंट इट बाय 1, सो इट इज 3, एंड वी विल ऐड इट। And once we have this DFS, we use this hash map, the answer is 3 and we have to rotate it. I hope aapko ye samajh aayega. For more understanding, let's go for code. For this problem, let's understand the code that we write. So basically, as we told, we need a prefix sum, which is nothing but a hash map. And for the case when the current sum is equal to the target sum, we will add that value, which is 0 is equal and its frequency is 1. We have a counter, I'm saying it answer, and then we are calling the DFS. In the DFS, we are passing the root of the node and we are also passing the current sum. So right now we are using non-local just to make use of these variables, and so that it doesn't change every time. We are just trying to use it. And then this is a normal case, if node is none, we are just returning it. Then we are calculating the current sum at each node. Then we will check if whatever the prefix sum or current sum we have, and if we minus it with target sum, and whatever the value it gives, if that value is already calculated, we will add the frequency, how many times that value comes, we will just increment in our answer, and then we just add that prefix sum, current sum inside our prefix sum. Okay, then we are calling the left subtree, right subtree with the current sum. And what is this? This is, so let's understand this from the diagram here. So you can see, let's suppose right now I'm at 10, then when we reach to this node it is 15, then we reach to this node it is 18. Now let's suppose at this position the current sum is 18. So basically at this node we find out that there is a current sum 18 and its frequency is 1. Now when we go back from this, we'll actually make this frequency to 0. Why? Because once we go through this left subtree, and then when we come back, and if we don't minus or reduce the frequency of the current sum, that we will find at this path. Okay, so let's suppose at this path we will find some current path sum value. Okay, and we don't delete it from the dictionary, and when we reach to this right subtree, we will find out that we are using this path value in this, but that is wrong, right?
we can't do this. We can't add a value from this path in this path. We just need a value for this path only. So whenever we come back from a subtree, we will try to reduce its frequency such that for any path we are not using its value in any different path. Okay, so this is what the code looks like. Let me submit it. So it is working fine and it is optimized too. So thanks.